हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड्रॉइड। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे लिस्ट के आइटम फाइल में किस तरह से दो तीन और उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ सेट करा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। अभी तक हम एरे लिस्ट डॉट ऐड करके ए लिखते थे, एरे लिस्ट डॉट ऐड करके बी लिखते थे। तो यहाँ ए और बी दोनों अलग अलग आइटम फाइल हुई जो लिस्ट में एक साथ सेट होती है, लेकिन हम किस तरह से एक ही आइटम फाइल के अंदर दो तीन या उससे ज़्यादा वैल्यूज़ को एक साथ सेट करा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। और हम यहाँ मॉडल क्लास और गेटर सेटर क्या है उसके बारे में भी देखेंगे। हमने यहाँ लेआउट एक्टिविटी मेन में लिस्ट लिया हुआ है और उसके आइटम फाइल में हम पहले एरे लिस्ट डॉट ऐड करके ए लिखते थे, एरे लिस्ट डॉट ऐड करके बी लिखते थे। तो यहाँ एक ही आइटम फाइल के अंदर एक ही वैल्यू सेट होती थी, लेकिन अब हम यहाँ दो टेक्स्ट और एक इमेज के साथ एक ही आइटम फाइल के अंदर हम तीनों वैल्यूज को सेट करेंगे। और तीनों वैल्यूज को सेट कराने के लिए हमें मॉडल क्लास की जरूरत पड़ेगी और गेटर सेटर क्या है उसके बारे में देखेंगे। हम सबसे पहले लिस्ट टू को मेन एक्टिविटी में इनिशियलाइज करेंगे। हम यहाँ पे लिस्ट टू लिखेंगे, उसका एक वेरिएबल नेम देंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी देंगे। यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम तीनों वैल्यूज़ को एक ही आइटम फाइल में सेट कराने के लिए मॉडल क्लास बनाएंगे जो यहाँ गेटर सेटर की मदद से एरे लिस्ट में डेटा को सेट करेगा और इमेज और टेक्स्ट में डेटा को गेट करेगा। हम यहाँ पे मॉडल क्लास बनाएंगे, न्यू जावा क्लास, और आप यहाँ कोई भी नेम दे सकते हैं। हम यहाँ मॉडल क्लास लिखेंगे और इस ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ स्ट्रिंग लिखेंगे क्योंकि हमने एक ही आइटम फाइल में दो टेक्स्ट लिया हुआ है और टेक्स्ट की वैल्यू स्ट्रिंग में आएगी। हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे। हम यहाँ पे टाइटल लिखेंगे, कोमा करेंगे और दूसरे टेक्स्ट व्यू के लिए हम यहाँ कोई भी एक नेम देंगे। डिस्क्रिप्शन क्लोज करेंगे। अब हम यहाँ पे इंटीजर लेंगे क्योंकि आइटम फाइल के अंदर हम यहाँ पे इमेज ले रहे हैं, इमेज में इमेज सेट कराने के लिए इंटीजर लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे कैपिटल आई करेंगे इंटीजर, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे और क्लोज करेंगे। अब हम अल्टर इंसर्ट करेंगे तो हम यहाँ गेटर सेटर दिखाई देगा। और दूसरी रीत हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे, जनरेट में जाएंगे तो आप यहाँ शॉर्टकट की देख सकते हैं, अल्टर इंसर्ट है। हम जनरेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ गेटर और सेटर है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप क्या गेट और सेट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज तीनों को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ गेटर सेटर बन जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइटल में लिखा हुआ है टाइटल, गेट टाइटल जो रिटर्न टाइटल करेगा, और यहाँ सेट टाइटल है, स्ट्रिंग आप देख सकते हैं। और यहाँ गेट डिस्क्रिप्शन, सेट डिस्क्रिप्शन, गेट इमेज और सेट इमेज है जो इंटीजर में है। अब मेन एक्टिविटी में हम यहाँ पे एरे लिस्ट लेंगे, कैपिटल ए करेंगे एरे लिस्ट। इसके अंदर हम अभी तक आइटम फाइल में सिंगल वैल्यू ही स्टोर कराते थे इसलिए हम इंटीजर और स्ट्रिंग लिखते थे, लेकिन हमें एक साथ मल्टीपल आइटम को सेट कराना है इसलिए हम यहाँ पे मॉडल क्लास लिखेंगे, कैपिटल एम करेंगे। मॉडल क्लास जो भी हमने यहाँ पे नाम बनाया हुआ है वो लिखेंगे, उसका एक वेरिएबल नेम देंगे, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट करेंगे, कैपिटल एम, और यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब हम एरे लिस्ट में वैल्यूज़ को सेट करेंगे, मॉडल क्लास लिखेंगे जो भी हमने यहाँ मॉडल क्लास नेम दिया हुआ है, कैपिटल एम करेंगे मॉडल क्लास, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे, एम वन लिखते हैं, इज इक्वल टू न्यू करेंगे और फिर से मॉडल क्लास लिखेंगे, कैपिटल एम करेंगे जो भी हमने यहाँ क्लास का नेम बनाया हुआ है, और क्लोज करेंगे। हम यहाँ एम वन लिखेंगे, डॉट आप क्या सेट कराना चाहते हैं। तो हम यहाँ सबसे पहले सेट टाइटल लिखेंगे, डबल कोट्स करेंगे, और टाइटल में आप क्या सेट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। और दूसरा हम एम वन करेंगे, डॉट यहाँ सेट डिस्क्रिप्शन करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप क्या सेट कराना चाहते हैं हम यहाँ डबल कोट्स करेंगे और वैल्यू वन लिखते हैं। और फिर से एम वन करेंगे, डॉट यहाँ सेट इमेज करेंगे, हम यहाँ कैपिटल आर करेंगे, डॉट ड्रॉवेबल करेंगे, डॉट जो भी हमने ड्रॉवेबल में इमेज इंपोर्ट कराई है वो लिखेंगे, डाउनलोड 1 2 3 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम यहाँ डाउनलोड 1 लिखेंगे। अब जो भी यहाँ मॉडल क्लास में सेट टाइटल, सेट डिस्क्रिप्शन और सेट इमेज ऐड हुआ है उसको एरे लिस्ट में ऐड करेंगे। हम यहाँ पे एरे लिस्ट लिखेंगे, डॉट ऐड करेंगे, और जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया था मॉडल क्लास का वो लिखेंगे एम वन, और यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो जब भी हम यहाँ एप्लीकेशन रन करेंगे तो ये तीनों वैल्यूज़ एक ही आइटम फाइल के अंदर आपको सेट होकर दिखाई देगी। हम यहाँ और भी आइटम फाइल ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे फिर से कैपिटल एम करेंगे मॉडल क्लास, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे। हम यहाँ पे एम टू लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू करेंगे, कैपिटल एम मॉडल क्लास, और यहाँ क्लोज करेंगे। हम एम टू लिखेंगे, डॉट सेट टाइटल करेंगे, और अब टाइटल में क्या सेट कराना चाहते हैं हम यहाँ पे कैपिटल बी करेंगे, फिर से एम टू करेंगे, डॉट यहाँ सेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ एम टू डॉट सेट इमेज करेंगे, और इमेज में आप क्या सेट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इमेज लिखेंगे, डॉट ड्रॉएबल डॉट डाउनलोड 2 करेंगे, और एरे लिस्ट डॉट ऐड करेंगे, और ऐड क्या करेंगे हमने जो भी वेरिएबल नेम लिया था मॉडल क्लास एम टू वो लिखेंगे, क्लोज करेंगे। हम इसी तरह यहाँ जितने भी आइटम को ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, हम यहाँ एम टू को सिलेक्ट करेंगे, अल्टर जे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, कैपिटल सी करेंगे, और यहाँ वैल्यू 3 करेंगे,
हम यहाँ फिर से कंट्रोल डी करेंगे, M3 सिलेक्ट करेंगे, अल्टर जे, और यहाँ M4 लिखेंगे, सेट टाइटल में डी लिखेंगे, वैल्यूज हमें यहाँ 4 करेंगे और इमेज को हम यहाँ 4 करेंगे, डाउनलोड 4। आप यहाँ जितने भी आइटम फाइल को ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब जो भी हमने यहाँ एयर लिस्ट में आइटम फाइल को ऐड किया हुआ है उसको अपने लिस्ट व्यू में सेट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एडेप्टर बनाएंगे, स्पेस छोड़ेंगे, एक्सटेंड लिखेंगे, कैपिटल डी करेंगे, बेस एडेप्टर, अल्टर एंटर और इंप्लीमेंट मेथड करेंगे और चारों मेथड को इम्पोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कैपिटल सी, उसका एक वेरिएबल नेम देंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पे एरे लिस्ट लिखेंगे। इसके अंदर हमने जो भी मॉडल क्लास नेम दिया था वो लिखेंगे मॉडल क्लास, क्योंकि हमने यहाँ एक ही आइटम फाइल में तीनों वैल्यूज को ऐड करना है। हम यहाँ एरे लिस्ट लिखेंगे, क्लोज करेंगे, अल्टर इंसर्ट करेंगे, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और जो भी कॉन्टेक्स्ट और एरे लिस्ट लिया था उसको सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ हमारा कंस्ट्रक्टर बन चुका है। हम लेआउट इन्फिल्टर लिखेंगे, कैपिटल एल करेंगे, लेआउट इन्फिल्टर, उसका एक वेरिएबल नेम देंगे, क्लोज करेंगे और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लेआउट इन्फिल्टर लिखेंगे, इज इक्वल टू कैपिटल एल करेंगे, लेआउट इन्फिल्टर डॉट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट और क्लोज करेंगे। गेट काउंट में हम एरे लिस्ट डॉट साइज लिखेंगे, गेट आइटम में पोजिशन लिखेंगे, गेट आइटम आई डी में भी पोजिशन लिखेंगे। अब हमने मेन एक्टिविटी के एरे लिस्ट में जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज ऐड किए हुए हैं वो किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर क्या लेना चाहते हैं, इमेज यू आप स्टार्टिंग में लेना चाहते हैं या एंड में लेना चाहते हैं, वो सब एडेप्टर के एक आइटम फाइल में डिसाइड करेगी। हम यहाँ पे एक आइटम फाइल बनाएंगे, कंसेंट लेआउट रिमूव करेंगे और रिलेटिव लॉक लेंगे, कंट्रोल अल्टर एल करेंगे। हम यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू लेंगे, विड्थ मैच पॉइंट रखेंगे, हाइट ग्रेप रखेंगे, क्लोज करेंगे, आईडी देंगे TXT1, टेक्स्ट लिखेंगे फॉर्मेट के लिए, टेक्स्ट साइज देंगे, टेक्स्ट कलर लेंगे और यहाँ पे पेडिंग लेफ्ट लिखेंगे। हम यहाँ एक और टेक्स्ट व्यू बनेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल अल्टर एल फॉर्मेट लाइन में, टेक्स्ट व्यू 2 करेंगे और हम टेक्स्ट व्यू को बिलो टेक्स्ट 1 करेंगे और यहाँ एक इमेज व्यू लेंगे, विड्थ हम 50 dp रखेंगे, हाइट यहाँ 50 dp, क्लोज करेंगे, आईडी देंगे और यहाँ फॉर्मेट के लिए एक इमेज लेते हैं, डाउनलोड 1, अलाइन पेरेंट एंड करेंगे ट्रू और यहाँ अल्टर एंटर करेंगे, सेट अलाइन पेरेंट राइट ट्रू करेंगे। अब टेक्स्ट व्यू 2 को हम 2 लेफ्ट ऑफ इमेज करेंगे और यहाँ पे भी 2 लेफ्ट ऑफ इमेज। अब हम रिलेटिव लेआउट में रेप देंगे, क्योंकि हम मैच पेरेंट रखेंगे और एप्लीकेशन रन करेंगे तो 1x1 जो भी आइटम सेट होगी फुल स्क्रीन की साइज लेगी और आप स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी आइटम दिखाई देगी, लेकिन हम यहाँ पे रेप लिखेंगे तो आइटम को जितनी ही हाइट चाहिए उतनी ही लेगा। और हम यहाँ पे एक कार्ड व्यू लेंगे, रिलेटिव लेआउट रिमूव करेंगे, कार्ड व्यू तो जो भी हमने लेआउट सेट किया था वो नहीं रहा, इसलिए हम यहाँ पे फिर से अंदर रिलेटिव लेआउट लेते हैं, विड्थ हम मैच पेरेंट रखेंगे, हाइट रेप रखेंगे और क्लोज करेंगे, इसको कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट। तो जो भी हमने फॉर्मेट बनाया था वो आ चुका है। हम यहाँ मार्जिन देंगे 10 dp, कार्ड कॉर्नर रेडियस देंगे, कार्ड एलिवेशन देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्ड व्यू आ चुका है। हम इमेज को मार्जिन राइट देंगे 10 dp। अब हमने जो भी आइटम फाइल बनाई थी वो लिस्टेड व्यू में सेट करेंगे। हम यहाँ व्यू लिखेंगे कैपिटल वी, उसका एक वेरिएबल नेम देंगे, इज इक्वल टू लेआउट इन्फिल्टर डॉट इन्फिल्ट कैपिटल आर डॉट लेआउट और जो भी हमने आइटम फाइल दी थी वो लिखेंगे कोमा और यहाँ पेरेंट करेंगे, अटैच रूट फॉल्स करेंगे, क्लोज रिटर्न। हम यहाँ व्यू लिखेंगे जो भी हमने वेरिएबल नेम दिया था। अब हम एक ही आइटम फाइल के अंदर तीनों वैल्यूज को सेट करेंगे, दो टेक्स और एक इमेज, इसलिए हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करेंगे, TXT1 टू कोमा करेंगे और यहाँ TXT2 करेंगे, क्लोज। यहाँ इमेज व्यू लिखेंगे, उसका एक वेरिएबल नेम देंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पे फाइंड व्यू बाय डी देंगे, TXT1 इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय डी करेंगे, कैपिटल आर डॉट आई टी डॉट जो भी हमने टेक्स्ट व्यू 1 को आई डी दिया था वो लिखेंगे, क्लोज करेंगे और यहाँ पे TXT2 करेंगे, इज इक्वल टू व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय डी। और यहाँ इमेज को फाइंड व्यू बाय डी देंगे, व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय डी करेंगे, कैपिटल आर डॉट आई डी डॉट जो भी हमने इमेज को आई डी दिया था वो लिखेंगे और यहाँ क्लोज करेंगे। टेक्स्ट व्यू इमेज में आपको कलर डिफरेंट दिखाई देगा क्योंकि अभी तक हमने इसका यूज़ नहीं किया है,
टेक्स वन लिखेंगे, डॉट सेट टेक्स करेंगे और क्या टेक्स सेट कराना चाहते हैं। तो मेन एक्टिविटी के एरे लिस्ट में जो भी हमने वैल्यूज ऐड की हुई है वो सेट करेंगे। हम यहाँ एरे लिस्ट लिखेंगे, डॉट गेट पोजीशन करेंगे और आपको एरर दिखाई देगी क्योंकि हमने जो भी आइटम फाइल बनाई हुई है उसमें तीन वैल्यूज़ है। उन तीनों वैल्यूज़ में से आपको कौन सी वैल्यू टेक्स वन में सेट करनी है वो डिसाइड करना पड़ेगा। हमने यहाँ मेन एक्टिविटी में सेट टाइटल, सेट डिस्क्रिप्शन और सेट इमेज एक ही आइटम फाइल के अंदर सेट की हुई है। उन तीनों में से आपको कौन सी वैल्यू टेक्स वन में सेट करानी है वो लिखेंगे। तो मान लीजिए अगर हमें यहाँ पोजीशन जीरो मिलती है तो एरे लिस्ट में से जीरो नंबर की आइटम गेट करेगा, लेकिन जीरो नंबर के आइटम में यहाँ तीन वैल्यूज़ है, सेट टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इमेज। इन तीनों में से आपको कौन सी वैल्यू टेक्स वन में सेट करानी है वो लिखना पड़ेगा। हम यहाँ डॉट गेट टाइटल करेंगे तो टेक्स वन में टाइटल ही सेट हो गए। हमने मेन एक्टिविटी में जितने भी सेट टाइटल किए हुए हैं वो वन बाई वन टेक्स वन में सेट हो गए। हम यहाँ टेक्स टू लिखेंगे, डॉट सेट टेक्स करेंगे, एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन करेंगे। तो जो भी यहाँ पोजीशन वाइज आपको एरे लिस्ट में डेटा मिलेगा उसमें से कौन सी वैल्यूज आप टेक्स टू में सेट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे डॉट गेट डिस्क्रिप्शन करेंगे। हम यहाँ इमेज लेंगे, डॉट यहाँ सेट इमेज रिसोर्स करेंगे, एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन करेंगे और यहाँ इमेज में क्या सेट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ डॉट गेट इमेज करेंगे। अब हम लिस्ट एडिटर को मेन एक्टिविटी में सेट करेंगे। हम यहाँ लिस्ट एडिटर लिखेंगे, उसका एक वेरिएबल नेम देंगे, इज इक्वल टू न्यू करेंगे, कैपिटल है लिस्ट एडिटर। हम यहाँ मेन एक्टिविटी डॉट दिस करेंगे कॉमा और यहाँ एरे लिस्ट पास कराएंगे, क्लोज करेंगे। हम यहाँ लिस्ट व्यू लिखेंगे, डॉट सेट एडेप्टर और एडेप्टर में क्या सेट करेंगे तो हमने जो भी वेरिएबल नेम बनाया था लिस्ट एडेप्टर वो लिखेंगे। अब हम जब भी एप्लीकेशन रन करेंगे तो एक मॉडल क्लास की मदद से एक ही आइटम फाइल के अंदर तीन वैल्यूज सेट होगी, सेट टाइटल, सेट डिस्क्रिप्शन और सेट इमेज। और यहाँ पे दूसरी आइटम फाइल, तीसरी और चौथी, इस तरह से चार आइटम फाइल एरे लिस्ट में ऐड होगी और लिस्ट एडिटर में हम यहाँ पे पास कराएंगे। और कंस्ट्रक्टर की मदद से जो भी हमने एरे लिस्ट में डेटा पास कराया था वो इस एरे लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। और टेक्स्ट वन में एरे लिस्ट डॉट गेट पोजीशन डॉट गेट टाइटल करेगा और टेक्स्ट टू में सेट करेगा। मान लीजिए अगर हमें यहाँ पोजीशन जीरो मिलती है तो एरे लिस्ट में से जीरो नंबर की जो भी आइटम फाइल है वो लेगा और उसमें से गेट टाइटल करेगा। और फिर बाद में हमें वन नंबर की पोजीशन मिलेगी तो एरे लिस्ट में से जो भी वन नंबर की आइटम फाइल है वो लेगा और उसमें से गेट टाइटल बी करेगा और यहाँ टेक्स वन में सेट करेगा। उसी तरह टेक्स टू और यहाँ इमेज में पोजीशन वाइज गेट डिस्क्रिप्शन और गेट इमेज को सेट कराएगा। और यहाँ आइटम फाइल में मार्जिन टेन देंगे और यहाँ रिमूव करेंगे। अब हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं कि किस तरह से हमें दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमने आइटम फाइल बनी हुई थी उसमें तीनों वैल्यूज एक साथ सेट होके आ चुके हैं और यहाँ दूसरी आइटम फाइल में हमने जो भी दूसरा डेटा सेट किया है वो वन बाई वन सेट होके आ चुका है। अब लिस्ट के किसी भी आइटम फाइल पे क्लिक करेंगे तो उस आइटम फाइल में जो भी डेटा सेट होगा, जो भी इमेज सेट होगा, वो किस तरह से दूसरी एक्टिविटीज़ में सेट करा सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। हम यहाँ एक और एक्टिविटी बनाएंगे, मेन एक्टिविटी टू और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ मेन एक्टिविटी टू क्रिएट हो चुके हैं। अब हम मेन एक्टिविटी में लिस्ट टू का सेट ऑन क्लिक लिस्नर बनाएंगे। यहाँ पे लिस्ट टू लिखेंगे, डॉट सेट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर करेंगे, न्यू एक स्पेस छोड़ेगा और कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आप सजेशन देख सकते हैं एडेप्टिव यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिस्नर लिखा हुआ है, उस पर एंटर करेंगे तो यहाँ लिस्ट टू का क्लिक लिस्नर बन चुका है। इसके अंदर हम यहाँ इंटेंट देंगे, न्यू इंटेंट करेंगे और यहाँ स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। अब हम किसी भी आइटम फाइल पे क्लिक करेंगे तो उस आइटम फाइल की जो भी यहाँ डेटा सेट होगा वो किस तरह से दूसरी एक्टिविटी में सेट करा सकते हैं वो देखेंगे। हम मेन एक्टिविटी टू में दो टेक्स और एक इमेज जुड़ेंगे। हम यहाँ आइटम फाइल से ही इसको कॉपी करेंगे और एक्टिविटी टू में यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ लेआउट ग्रेविटी सेंटर करेंगे और मेन एक्टिविटी टू में इनिशियलाइज करेंगे। हम यहाँ पर टेक्स लिखेंगे, उसका कोई भी एक वेरिएबल नेम देंगे, टी एक्स टी वन कोमा टी एक्स टी टू क्लोज करेंगे। यहाँ इमेज यू लिखेंगे और इमेज करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ फाइंड यू बाई आई डी देंगे इमेज लिखेंगे इज इक्वल टू फाइंड यू बाई आई डी। अब हम मेन एक्टिविटी में किसी भी आइटम फाइल पे क्लिक करेंगे तो उस आइटम में जो भी डेटा सेट होगा हम पुट एक्स्ट्रा करके नेक्स्ट एक्टिविटी में ले जाएंगे। हम यहाँ इंटेंट लिखेंगे, डॉट पुट एक्स्ट्रा करेंगे, की नेम देंगे टाइटल, कोमा करेंगे और आप क्या पुट एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो एरे लिस्ट में से हम यहाँ टाइटल को पुट एक्स्ट्रा करेंगे, गेट पोजीशन डॉट यहाँ पे गेट टाइटल करेंगे।
तो जब भी हम लिस्ट टू की जिस आइटम पे भी क्लिक करेंगे उस आइटम की पोजीशन मिलेगी और एरे लिस्ट में से वो गैप टाइटल करेगा और नेक्स्ट एक्टिविटी में सेंड करेगा। इसी तरह हम यहाँ इंटेंट लिखेंगे डॉट पुट टेक्स्ट आ करेंगे और हम यहाँ डिस्क्रिप्शन सेंड करेंगे कोमा एरे लिस्ट लिखेंगे डॉट गैप पोजीशन करेंगे गैप डिस्क्रिप्शन सेंड करेंगे क्लोज करेंगे और यहाँ फिर से इंटेंट लिखेंगे डॉट पुट टेक्स्ट आ इमेज की वैल्यू नेम देंगे एरे लिस्ट लिखेंगे डॉट गैप पोजीशन करेंगे और यहाँ गैप इमेज क्लोज करेंगे। तो यहाँ जिस आइटम पे भी क्लिक करेंगे उसमें से पोजीशन वाइज एरे लिस्ट में से डेटा गेट करके नेक्स्ट एक्टिविटी में सेंड करेंगे। हम मेन एक्टिविटी में डेटा को गेट करेंगे। हम यहाँ पे स्ट्रिंग लिखेंगे डेटा वन करेंगे कोमा डेटा टू क्लोज करेंगे। हम यहाँ इंटीजर लिखेंगे क्योंकि हमें इमेज भी गेट कराना है क्लोज करेंगे। यहाँ डेटा वन करेंगे इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा करेंगे डॉट गेट स्ट्रिंग और जो भी हमने स्ट्रिंग में दिया था टाइटल में वो लिखेंगे टाइटल क्लोज करेंगे। यहाँ डेटा टू यहाँ पे जो भी हमने की नेम दिया था वो लिखेंगे डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन और टाइटल है। अब हम मेन एक्टिविटी टू में यहाँ इमेज को गेट करेंगे। हम इमेज लिखेंगे इज इक्वल टू गेट इंटेंट करेंगे डॉट गेट एक्स्ट्रा डॉट यहाँ पे गेट इंटीजर करेंगे और की नेम हमने जो भी दिया था एएमजी वो लिखेंगे क्लोज करेंगे। यहाँ टेक्स्ट व्यू वन करेंगे डॉट सेट टेक्स्ट और टेक्स्ट व्यू में क्या टेक्स्ट सेट करेंगे तो जो भी हमने यहाँ डेटा वन में वैल्यूज गेट की है वो लिखेंगे क्लोज करेंगे और यहाँ टेक्स्ट टू डेटा टू करेंगे और यहाँ इमेज व्यू में डॉट सेट इमेज रिसोर्स करेंगे और यहाँ पे हम इमेज लिखेंगे जो भी हमने मेन एक्टिविटी में से इमेज को गेट किया है। अब हम जब भी लिस्ट टू के आइटम फाइल में क्लिक करेंगे तो उस आइटम फाइल का टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज इस लेआउट में सेट हो जाएगा। अब हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो हम यहाँ लिस्ट टू के किसी भी आइटम फाइल पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट एक्टिविटी में उस आइटम फाइल का टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज सेट होकर आपको दिखाई दे रहा है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच।